Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है Redmi का 11 Prime और इस फोन में आपको करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं क्या क्या सेटिंग मिलेंगी आपको देखने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, फिर बताते हैं कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इस फोन में कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने कंट्रोल बार को ओपन कीजिए, यहाँ पे एक आइकन देखने को मिलेगा आपको रिकॉर्ड स्क्रीन नाम से, इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। जैसे टैप एंड होल्ड करेंगे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने ऐप लॉक वगैरह सेट किया तो उसको डाल दीजिए, नहीं किया तो सिंपल इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा रेजुलेशन का, इस पर क्लिक करके आप रेजुलेशन को सेट कर सकते हैं किस क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको सेट करनी है। जिसका आपको वीडियो क्वालिटी का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको ये सेट करना रहेगा कितनी एमबीपीएस में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जो कि है साउंड सोर्स का, जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे आप इस कैटेगरी को सेट कर पाएंगे, जैसे कि ऑडियो किस टाइप की रिकॉर्ड करना है। यहां पे सेलेक्टेड है इस समय आपकी सिस्टम ऑडियो। अगर आप अभी इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करेंगे तो स्क्रीन में जो चलेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा फोन के अंदर। अब आप ये नहीं चाहते जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और माइक के लिए सेलेक्ट कर देना होगा, तो अब आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन के बारे में बता दूं जो कि काफ़ी अच्छे फीचर हैं, जैसे कि फ्रेम रेट। जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो आप कितने एमबीपीएस की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं वो सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है सो टच जेस्चर। जब आप इस पर सेलेक्ट कर देते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय जहाँ जहाँ आपने टैप किया होगा वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नज़र आ जाता है, तो ये आप यहाँ पे आके इसकी सेटिंग को भी कर पाएंगे। जिसके साथ आपको नीचे की ओर एक और ऑप्शन है जो कि रहेगा शो बटन टैप। जब इसको इनेबल कर लेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय जब आपने कुछ इस तरह से बैक बटन प्रेस किया होगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नज़र आ जाएगा वो। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने कंट्रोल बार को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको इस आइकन पर फिर से क्लिक कर देना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। रेड के आइकन पर क्लिक करा के आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं और जिस सर्कल रहेगा आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। इस तरह से आप इस फोन में कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।